नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 9 जनवरी है। साल के पहले महीने का ये 9वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। गोल्फ एक ऐसा खेल है जो व्यक्तिगत रूप से और टीमों में खेला जा सकता है। इस खेल में खिलाड़ी क्लब की मदद से गेंद को मैदान में मौजूद छेदों के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये खेल पहले अमेरिका में लोकप्रिय हुआ और फिर वहां से विश्व भर में प्रचलित हुआ। विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1811 में आयोजित किया गया था। माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। माइकल जैक्सन को आज ही के दिन 9 जनवरी साल 2002 में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया था। फरहान खान एक भारतीय बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, पार्श्व गायक हैं। यूं कहें तो फरहान बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं। हर चीज में उम्दा, बहुत ही कम समय में फरहान ने अपनी कड़ी मेहनत से खुद को फिल्मी दुनिया में स्थापित किया है और साथ ही वो बॉलीवुड के सफल निर्माता निर्देशक भी हैं। फरहान का जन्म आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1974 को मुंबई में हुआ था। महेंद्र कपूर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। चाहे देशभक्ति गीत हो या प्यार से भरे हसीन नगमे, महेंद्र कपूर हर मूड में गाना गाने के महारथी थे। अपनी आवाज से उन्होंने ऐसा जादू पैदा किया है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। महेंद्र कपूर का जन्म आज ही के दिन 9 जनवरी साल 1934 में हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।